कावे मौसवी ने ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान ने अदालती एहकाम का एहतराम नहीं किया। नैब का हिस्सा रहने वाले शख्स से इंक्वायरी कराना ही गलत था। सरबरा ब्रॉडशीट का अजमत सईद से 7 रोज में माफी का मुतालबा। मुझे सजा याफ्ता करार देने पर माफी न मांगी तो कानूनी कार्रवाई होगी। आपस में लड़ने के बजाय हुकूमत को निशाना बनाए, गलत बयानबाजी ऑपोजिशन के फायदे में नहीं। बिलावल भुट्टो का ऑपोजिशन को मशवरा, बोले हर मौके पर आर या पार की सियासत नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी से हसद करने के बजाय तहमुल से चले। पीपल्स पार्टी का कल होने वाला ECC इजलास। हम यूसुफ़ गिलानी साहब को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कबूल नहीं करते। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के मामले में पीपल्स पार्टी और ANP ने अहद तोड़ा है, इसका उनसे मौलाना साहब उनसे एक्सप्लेनेशन मांगे कि ये अहद क्यों तोड़ा गया है। क्या अगर उसमें पीपल्स पार्टी शामिल होती है तो एक उसका एक अलहदा रंग होगा, क्योंकि फिर सारी ऑपोजिशन है। अगर वो शामिल नहीं होना चाहते तो फिर उसका अलहदा रंग। फिर भी आप लोग आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। पीपल्स पार्टी के बगैर भी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, शायद खाका नबासी का ऐलान। कहते हैं पीपल्स पार्टी और ANP ने PDM का अहद तोड़ा है। मौलाना फजल रहमान दोनों जमातों से जवाब तलब करें। यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर नहीं मानते। कराची में गर्मी का जोर, दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू गया। क्या में पाकिस्तान के बाद पहली बार पारा 44 सेंटीग्रेड तक पहुँचा। दिन भर की गर्मी के बाद समुद्री हवाएं चलना शुरू हो गई। गर्मी से बचने के लिए शहरियों के साहिल पर डेरे। महकमा तालीम सिंध की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास। सईद गनी ने 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद करने की तजवीज दे दी। कमेटी के कुछ अराकीन की तालीमी इदारे बंद करने की मुखालिफत। पहले आवामी मकामात, पार्क और सिनेमा बंद कराए, स्कूल मालिकान की राय। बरतानिया ने रेड लिस्ट के लिए ममालिक का इंतखाब कैसे किया, इंतखाब साइंस को मद्देनजर रखकर या खारजा पॉलिसी को। वफाकी वजीर असद उमर ने बरतानवी फैसले पर सवाल उठा दिया। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट इनास शाह ने पाकिस्तान पर बरतानवी सफरी पाबंदियों को इम्तियाजी सलूक करार दे दिया। बरतानिया से आए पाकिस्तानी परेशान। BIA का इंग्लैंड वापस जाने वालों के लिए एकदम। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर तक 4 इजाफी परवाजें चलाने का फैसला। 1400 मुसाफिर सफर करेंगे। BIA ने 9 और 11 अप्रैल की 2 तरफा शेड्यूल परवाजें मंसूख कर दी। के ताबड़तोड़ हमले, 24 घंटे में 84 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 4723 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस के शरह 9% से ज्यादा रही। खबर पख्तूनख्वा में आज और कल इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। सिंध हुकूमत का भी 5 अप्रैल से इंटरसिटी और बैनुल सुबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने लगे। पेशावर में सुबाई वजीर शहराम खान धरकई, MPAs और सेनेटर्स की मुशीर अब्दुल करीम के हुजरे में आमद। मास्क इस्तेमाल किया, न सामाजिक फासला रखा। मुंतखब नुमाइंदे गले भी मिलते रहे। आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में मधु ना करने के शोर शराबे पर वजीर आजम हैरान। अपने एक बयान में कहा कि हमारी माहौल दोस्त पॉलिसीज हमारी नस्लों के लिए हैं। हमने माहौलियाती तब्दीलियों के असरात कम करने के लिए पॉलिसीज बनाई। आलमी बरादरी संजीदा है तो तआवुन कर सकते हैं। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस ने ना बुलाकर पैगाम दिया, अपना तजुर्बा अपने पास रखें। आप महंगाई और करप्शन का सुनामी लाने का तजुर्बा रखते हैं। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए आपका सफाया जरूरी है। मरियम औरंगजेब का वजीर आजम के बयान पर रद्द अमल। जहांगीर तरीन और अली तरीन की चीनी स्कैंडल में 10 अप्रैल तक अबूरी जमानत। जाली अकाउंट्स केस में 7 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। जहांगीर तरीन फटपड़े, बोले मेरी शुगर मिल्स का मामला क्यों उछाला जा रहा है, क्या बाकी 80 शुगर मिल्स में कोई इशू नहीं।
जानबूझकर एफआईए को केस दिया गया। पंजाब में चीनी 85 रुपए किलो बेचने का हुक्म हुआ, हवा में उड़ा दिया गया। किसी भी शहर में हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद नहीं किया गया। लाहौर के शहरी चीनी 100 रुपए किलो खरीदने पर मजबूर। पहला रोजा 14 अप्रैल को होगा, रोयते हिलाल कमेटी से पहले फवाद चौधरी का ऐलान। कहते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, पिशावर और कराची में चांद 13 अप्रैल को नजर आएगा। फवाद चौधरी ने पहले ट्वीट में गलती भी कर दी, 14 अप्रैल की जगह 14 रमजान को पहला रोजा बना दिया। इस्लामाबाद धूल उड़ाती हवाओं की लपेट में, नाक से खून बहना और अचानक करंट लगना मामूल बन गया। लोग मास्क पहने, पानी पिए, गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकले, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। मशरकी मौसीकी को मगरबी रंग में रंगने वाली गुलुकारा नाजिया हसन जिंदा होती तो आज 56वीं सालगिरह मनाती। नाजिया हसन ने पॉप मौसीकी को मुतारिफ कराया, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, गाने ने शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। नाजिया हसन के गाए गीत आज भी मकबूल।